are your special mics आज? Is it? क्या है? Can you hear me? क्या है ये? Check. Mics. Hello. Hello. ये. Here you go. Hello. हाँ जी. So check your mics. Check your mics. Hello. Hello. Can you hear me? और आज भेक भूख के दे सकते हैं आप लोग. All right, so this was the first time that we've done this. Kaisa mic phek ke de diya kisi ko, hai na? It's over to our wonderful media yahan pe. Kisse shuru kar rahe hain? Can we all check the mics first? Hello, hello, hello. Can you hear me? We good? Yeah. Check the mic, please. Hello. Kapil ji, मेरा सवाल आपसे है. जी मैम. आरती सक्सेना. Hello मैम. आपने अभी बोला कि आप जहाँ भी जाते हैं अपना परिवार लेके जाते हैं. जी. Right? लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप पूरा देश लेके चलते हैं. शुक्रिया मैम. Love you. Thank you. आप खुश रहते हैं तो लोग खुश रहते हैं, आप दुखी होते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं. थैंक यू सो मच मैम. तो अभी मैं हमेशा शो देखती हूँ आपका, तो आपकी मम्मी हमेशा रहती हैं शो में. जी. आपने एक अच्छे बेटे होने का सबूत तो दे दिया. ये एंग्री बर्ड के जरिए आप एक्चुअली अपने बेटे को मतलब अच्छे डैडी बनने का सबूत दे रहे हैं. अभी वो आने वाले हैं तो पहले से तैयारी. ये पहले से लाइक छोटे बच्चे बहुत इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है कि बेटा है कि बेटी है. नहीं मतलब लाइक तैयारी शुरू हो गई है. तैयारी में मुझे लगता है ये डेस्टिनी आपके लिए अपने आप ही प्लान करते हैं. तैयारी देखिए, ये भगवान ने मुझे खुद ही ऐसे काम में भी ऐसा दे दिया कि जो भी होगा, बेटी होगी, बेटा होगा, जो भी होगा, स्वस्थ हो. हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. और पर जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी बच्चा, तो वो देखेगा जब कि अच्छा मेरे पापा ने ये सब किया है, तो प्राउड फील होगा. क्योंकि सबसे पहले तो वो ऐसी ही फिल्में देखेगा, सीधा तो शोले देखेगा नहीं. तो जब वो बच्चों वाली फिल्में देखेगा तो मैं बताऊंगा उसको कि बॉस दैट्स मी. सबसे पहले ये वाली फिल्म दिखाना उसे, है ना, जब वो हाँ ये अपने एंग्री बर्ड. बिल्कुल. नहीं, हमारे घर में एक साल का बच्चा है, वो यही देखता है, इसलिए मुझे लगा कि आपका अभी आने वाला है तो ये वो भी यही देखने वाला है. विवेक जी, थैंक यू वेरी मच. विवेक जी, हाँ जी. नहीं, वो तो प्रोसेस शुरू हो गया ना, अभी भी क्या टिप्स लेने. नहीं, ऐसी कोई टिप्स तो नहीं किसी से ली, पर हाँ मतलब हमने देखा है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है. सो मेरा बच्चों से वैसे भी बहुत प्यार रहता है. तो मैं जब अमृतसर में भी रहता था तो मेरे फादर बड़ा बच्चों से प्यार करते थे. हम लोग क्या, सब पुलिस वाले थे, कॉलोनी में रहते थे, तो सब पुलिस वाले तो अपनी जॉब पर चले जाते थे, तो बहुत सारे छोटे बच्चे थे हमारी कॉलोनी में. हम लोग ऐसे उनको ले आना, उनको नहला देना, पाउडर डाल देना, बैठे रहना. तो मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे, तो अच्छी बात है, अपनी खुद की प्रोडक्शन है. वी हैव सीन इन द ट्रेलर हाउ फ्रेंडमीज बिकम फ्रेंड्स, यू नो, अल्टीमेटली. आपके रियल लाइफ में भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है आपके कलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो ऐसे कोई एंग्री बर्ड बनकर जब सामने आते तो कैसे डील करते हैं आप? कितना स्मार्ट वे पूछ देना चाहिए. नहीं, कोई नहीं सर, पता क्या होता है, हाँ होता है, हर इंसान के अंदर हर तरह के इमोशंस होते हैं. और मुझे लगता है बीइंग एक्टर आपके अंदर सब तरीके के इमोशंस होने भी चाहिए. जब आपको बेसिकली एक्टर करता क्या है, एक इमोशंस ही तो हम लोग बेचते हैं अपने, कि जब उदास हैं तो आप दिखते हैं, आप कोई वैसी चीज़ याद करके आप वैसा एक्सप्रेशन जो है वो देते हैं. सो पर हाँ, मुझे लगता है कि मैं बड़ा मैच्योर हो गया हूँ. मैं ज़्यादा चीज़ों पर गौर नहीं करता हूँ ज़्यादा. और शादी के बाद में भी शायद सबके साथ हो जाता होगा, सब ठंडे हो जाते हैं. सुशील हो गया तो ठंडा नहीं हुआ, सुशील हो गया. That's all we have for you. Thank you so much. इधर कैसे हो? हेलो मैम, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बड़ी चलाकी से आप टक्कर दे रहे हो मिशन मंगल को. क्लियर विंडो ढूंढ लिया आपने. मिशन मंगल को टक्कर कैसे? उसके दूसरी वीक क्लियर जा रही थी, अब आप आओगे तो एक टक्कर दे रहे हो, क्या कहना है? नहीं, दोस्त से भिड़ रहे हो. ये सवाल आपने बड़ा चलाकी वाला मारा, ऐसा कुछ है नहीं. हालांकि मिशन मंगल एक डिफरेंट जॉनर की फिल्म है, और ये जो है ये बच्चों को टारगेट करके उनके लिए बनाई गई है. और पर हाँ, ऑब्वियसली बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी जाएंगे. सो ऐसा कुछ नहीं है. बाकी ये चीज़ें तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो विवेक सर बेटर बता सकते हैं, पर हाँ हमने तो इसमें काम किया है. और हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये रिलीज़ हो और सब लोग देखें, हम सब लोगों का रिएक्शन देखें.
वैसे हमेशा आप आगे रहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर. थैंक यू मैम. और इसी बहाने आप लोग तीनों एक एक लाइन बोलिएगा अपने कैरेक्टर की. हमें ऐसी फीलिंग आ रही, सामने गब्बर बैठा है और हम सब तीनों बसंती हैं, एक एक लाइन हो जाए. नाच नाच बसंती नाच. अच्छा, आपने अर्चना जी को बोला नहीं मर्द की आवाज निकाल? मैंने पुरानी बातें हैं कॉमेडी सर्कस की मैम, अभी हम लोग हमारा बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशन है वो हम लोग, बट हाँ जो आपने कहा मतलब वी आर वेरी थैंकफुल टू अर्चना जी की हमने जो भी जो शैतानियां की हैं पास्ट में कॉमेडी सर्कस के टाइम पे और अभी तक करता रहता है. मैं देखती हूँ हम तो ये इन्होंने हमेशा हमें इनकरेज किया है और शायद ये उसी का ही मैं हमेशा मैं मैम को भी बोलता हूँ कि ये जो आपने इनकरेज किया है हमेशा हमें इतना सपोर्ट किया है. कभी कभी बड़े खराब एक्ट भी करते थे तो तब भी हमें बड़ा ध्यान रखती थी और प्यार से पोलाइटली समझाती थी कि ये गलत होगा. सो उसी सबका ये नतीजा है कि आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया बोलने का. सो हम लोग बहुत खुश हैं कि एक बार फिर से साथ में काम कर रहे हैं. इसका टैलेंट तब भी माइंड ब्लोइंग था और आज भी आई थिंक आज तो उससे भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग हो गया है. एंड हियर आई वर्क विद किको आल्सो, जो हमारे यहाँ पर हम तीन मौजूद हैं लेकिन ऐसे हमारे साथ और भी बहुत साथी हैं जो हमारे शो में वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल टू ईच अदर दैट हमेशा हमें एक दूसरे का साथ और सपोर्ट मिला. एक एक लाइन सुना दी जाए आपके कैरेक्टर की. गाना गाना है तेरे का? मेरे को ऐसे बिल फाड़ दिया गाना गाना तेरे को, मैंने तो कभी कहा ही नहीं. तुसी अंग्रेजी में गाओ हमेशा इसके लिए. कपिल जी आप अंग्रेजी में गाओ, अंग्रेजी में गाओ. गाएं कपिल जी जो भी अपना डायलॉग है ना अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं. तो अगर मैं इतनी अच्छी बोलता तो मेरे को हॉलीवुड वाले ना बुलाते. वाले बुलाते, हिंदी वाले क्यों बुलाते? मैम भी वैसे मजे ले रहे हैं ना हमारे. नहीं नहीं नहीं, एक एक लाइन बोलिएगा अच्छा लगेगा. कोई लाइन याद है तो ये डायलॉग ऐसे पर हाँ ऐसे लाइन को पर्टिकुलर ऐसे पैसे लिए पैसे लिए बोल दो. नहीं नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पैसे नहीं मिलते इनसे तो हमने हमने ले लिए उनसे जो चाहिए. हाँ है एनी लाइन यू नो द किको ऑफ द थिंग जो कि ट्रेलर में एक लाइन था कि ये लड़ाई चल रहा है कि सुपर डांसर सो. तो मतलब हमने जो सोनी पे जितने शोज आते हैं जितने लोग आते हैं तो सब ने सबको हमने वहां पे प्रमोट किया है. एक ट्रेलर में तो वो नाम भी बोलती मेरा, अपने आप को कपिल शर्मा समझते हो. हाँ. एक जगह है भी तो थैंक यू सर. और कपिल ने फिल्म में मुझे नहीं बल्कि सिद्धू को प्रमोट किया है. एक लाइन बोली ना तूने है ना अभी आई थी ट्रेलर में, क्या क्या लाइन थी? हाँ टोको ताली क्या कैसे बोलते वो, वो उनकी टीम ने कहा ओ टोको, मैं तो मैं तो बोलने बोल दिया. इतना क्यूट करता है ना. शो से कुछ ब्रेक लेंगे, किस तरह टाइम स्पेंड करेंगे? नहीं नहीं शो से ब्रेक नहीं, मैं तो मैं बोलूंगा सोनी को उल्टा हफ्ते में चार बार कर देंगे. खर्चे बड़े हैं हमारे. हाँ यार चार बार करा दो. ऐसा ब्रेक लेने का तो कोई प्लान नहीं है तो. पर हाँ आई मीन क्या टिप्स मैं क्या क्या बोला आपने? मैं मुझे लगता है मैं वैसे भी अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ. मैं बहुत पार्टीज वार्टीज में नहीं जाता हूँ तो वैसे भी घर पे ही रहता हूँ ज़्यादातर. और अच्छी बात है एक और मेंबर घर का जो है वो आएगा और मज़ा आएगा क्योंकि वो तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसको बता सकते हैं. नहीं नहीं मैं तो हमेशा कहता हूँ क्योंकि मेरा बेटा 14 साल का हो गया है बड़ा वाला, वो अब उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाती है अपने दोस्तों में जाते हैं तो मैं तो सबसे कहता हूँ कि भाई अगर नया नया आपके घर में आ रहा है प्लीज़ वो डेज इन्जॉय कर लो. वो पहले 10 साल उस बच्चे के मतलब बेस्ट पार्ट है आपके लाइफ का तो या इन्जॉय. हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है. आई मीन नहीं जेन्युइनली मुझे लग रहा है बिकॉज जैसे आपने देखा ना ये जो मैंने रेड की डबिंग पहले कर चुका था और उसके बाद हम लोग वेकेशंस पे जा रहे थे तो मेरे बाद कीकू ने डब किया और मैम तो हम लोग साथ में डब कर रहे थे तो जब मैंने कीकू के सुना बिकॉज आई लव इज बच्चा यादव का करेक्टर तो सबका वो जो टीम थी उन्होंने भी कहा कि यार वो बड़ा सूट करेगा इस पर क्योंकि उसका जो लुक है उसका वो उसमें बड़ा सूट किया तो मैंने जब सुना ट्रेलर में मैंने तो अपना किया वो मुझे पता ही था मैंने क्या किया लेकिन कीकू जब मुझे सुना मैंने इनको बताया भी मैंने कहा मुझे वो बेस्ट लगा. Yeah. तो जब हमें लग रहा है बिकॉज हम सबसे बड़े क्रिटिक तो खुद ही हैं तो जब हमें अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है सबसे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा. जैसे कहा किको क्या इंस्पिरेशन है आपकी? जैसे मैं काफी लियोनार्डो द पिग जैसा दिखता हूँ पर्सनली. But nothing specifically, it's just the
when you watch the film and you watch it in totality, it's quite a banter between the characters and it's cute. So I guess I to love the zone. I love the zone of matlab I wish ke main to bachchon ke liye aur bhi kaam matlab karna chahta hu, mujhe acha lagta hai. Aur meri audience bhi, main to bachcha yadav jitna maine kiya hai, mujhe bahut sare bachche aate hain malls walls mein, kabhi jao, lot of kids come to me aur unko bada